बंद चल पाएगा। सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर आप करेंगे तो दो ऑप्शन है आपके पास, आपकी मर्जी है। पहले स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आपकी मर्जी है पहले फॉर्मूला टाइप। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा स्क्वायर। मैं आपसे कह रहा हूँ या तो पहले आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं, या फिर ये है कि आप पहले जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो जो आपको इजी लगे आप वो उसमें अप्लाई कर सकते। मैं दोनों एक एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। कॉस सी प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा टू कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा टू साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा, एंड सेम कॉस स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर बीटा वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन आ जाएगा टू। अच्छा, जो हमारे पास ये वाली टर्म्स बची रेस्ट, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड टू साइन अल्फा साइन बीटा, अगर यहाँ से हम टू कॉमन ले, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। मुझे ये बताइए, ये वाला स्टेप आप सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं? ये थर्ड लाइन कहाँ से आई? हाँ जी, ठीक चल आ गया। है। अब मुझे बताओ ब्रैकेट में जो अंदर है वो क्या फॉर्मूला है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इज देयर एनी फार्मूला फॉर दिस? कॉस अल्फा माइनस बीटा। वेरी नाइस। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे? हमारे पास आ गया टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बस। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से, यस, अब इसमें हम एक फार्मूला आपको ड्राइव कर दें तो फिर आपको समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहले हम फॉर्मूले ही लिख लेते हैं तो आपको क्लियर, नीचे कर लेते। लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे वो टू एंगल के लिए किए थे, कॉस टू ए के लिए। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे जो फॉर्मूला फिलहाल यहाँ यूज करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कॉस टू ए। तो कॉस टू ए क्या होता है? कॉस टू ए होता है अगर मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये याद है कुछ फॉर्मूला? हमने कॉस टू ए के तीन फॉर्मूले लिए थे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन एंड वन माइनस टू साइन स्क्वायर। तो कॉस टू ए का एक बेसिक फॉर्मूला जब इसमें कॉस स्क्वायर आता है वो ये होता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, आप अगर देखेंगे इधर है टू ए और इधर है ए, तो टू ए और ए में रिलेशन क्या है? ए इज हाफ ऑफ टू ए। तो यहाँ से मैं आप एक रिलेशन अगर चाहूँ तो बना सकता हूँ कि अगर 2a को मैं थीटा ले लूं तो एंगल a जो होगा वो मेरा थीटा बाई 2 होगा। मतलब सेम फॉर्मूला आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, cos 2a को आपने कहा थीटा तो आपके पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? लेफ्ट साइड में जो एंगल यस है सर। राइट साइड में उसका हाफ है ना? कॉस
cos 2a is 2 cos square a minus 1, cos theta is 2 cos square theta by 2 minus 1. अगर मैं लेफ्ट साइड में थीटा बाई 2 ले लूं तो राइट साइड में थीटा बाई 4 हो जाएगा. ये बात सबको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप जरा चेक करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, मुझे उसमें राइट साइड में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए, जो कि अब तक आपने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया था. तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा को, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा को थीटा कंसीडर कर रहा हूं, तो ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा. तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कॉस थीटा जो होगा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा. तो कॉस अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1 होगा. ये बताओ ये वाली बात, माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1, बस इतना रख लीजिए, आंसर आ गया. तो आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस 2 cos alpha minus beta by, इसको 2 cos square alpha minus beta by 2 minus 1 लिख दीजिए. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 2 plus 2 to जा 4 cos square alpha minus beta by 2 and 2 1 जा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. finally you have 4 cos square अल्फा माइनस बीटा बाई. ये वाली बात बताओ सबको समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूला आया है यहाँ पे बस एक कॉस 2a. ठीक है, अभी कुछ ठीक नहीं है ना, चलो इसको दोबारा से ठीक करते हैं. इसको एक और मेथड से करते हैं, वो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा. और फिर ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये भी ट्राई कर लेते हैं. हाँ भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें पहले स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास है. तो आप क्या करिए, आप इसको स्क्वायर ओपन मत करिए, पहले cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करिए. बताओ cos c plus cos d क्या होता है? जब आप cos को प्लस करते हैं और लेफ्ट साइड में सिंगल एंगल होता है तो क्या आता है, कुछ पता है किसी को? अभी cos c plus cos d क्या हो जाएगा? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. और sin c plus sin d क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 cos c by d minus 2 c yes. minus d upon 2. Yes. तो ये हमारे पास आ गया. अब square open करिए तो ये आपके लिए थोड़ा easy हो जाएगा. 4 cos square alpha plus beta by 2 cos square alpha minus beta by 2 4 sin square alpha plus beta by 2 sin square alpha minus beta by 2. तो यहां से 4 हमारे पास क्या कॉमन है, कोई बता सकता है? एक मिनट, हमने लास्ट वाले में चेंज कर दिया. फर्स्ट sin आता है, सेकंड cos आता है. हमारे पास 4 cos square alpha minus beta by 2 common आ जाएगा. तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया cos square alpha plus beta by 2 plus sin square alpha plus beta by 2. कोई बताएगा मुझे ब्रैकेट से क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 1 cos square theta plus sin square theta is 1. तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रहा क्योंकि हमने इसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है. तो ये मेरे पास आ गया 4 cos square alpha minus beta by 2. ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में से क्वेश्चन था जो कि इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड था.
तो आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर, जो हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज थी उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, अप टू 21 क्वेश्चन। सर एग्जांपल 17 बता दीजिए। ये आपके पास एनसीईआरटी है और इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एग्जांपल 17 जी? यस सर। तो ये मेरे पास एग्जांपल 17 है, इसको सॉल्व कर दे। आपसे कह रहा है प्रूव दैट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x इज इक्वल्स टू 10x। चलो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाइए। के पास आ जाएगा साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x minus cos x। ये आपके पास है। तो आप क्या करिए, इनको रीअरेंज कर लीजिए, स्पेशली न्यूमरेटर को। आपके पास क्या आएगा, sin 5x plus sin x minus 2 sin 3x upon cos 5x minus cos x। ये मेरे पास है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का पहला फॉर्मूला है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है भाई, फर्स्ट वाला टर्म साइन आता है, सी प्लस डी बाय 2 आता है, सेकंड टर्म कॉस आता है, सी माइनस डी बाय 2 आता है, एंड 2 साइन 3x एज इट इज। इसकी अभी हमें बात ही नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो cos c minus cos d होता है minus 2 sin c plus d by 2। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एंड sin c minus d by 2, ये पास हो गया। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा sin 3x और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा cos 5 minus 1 4 4 by 2 2x और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 sin 3x। ये बस हो जाएगा। अच्छा, हमें 2 से कॉमन लेके ही कैंसिल करना पड़ेगा, ये हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। दो टर्म है ऊपर, कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तब जाएगा काम चलेगा। ठीक है सर। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2 sin अगेन 3x एंड sin। ऊपर से आप जो कॉमन ले सकते हैं वो 2 sin 3x कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास रह जाएगा cos 2x minus 1 और हमारे पास यहाँ रह जाएगा minus 2 sin 3x and sin 2x। प्रॉब्लम वही है कि हमें फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए। तो राइट हैंड साइड में आपको चाहिए 10x। 10 होता है sin upon cos, ठीक है। अब यहाँ बस दो फॉर्मूले लिख लीजिए, अगर आपको दो फॉर्मूले आते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपके पास होता है cos 2x, that is
वन माइनस, मुझे ऊपर साइन चाहिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है, और नीचे साइन टू एक्स गिवन है, तो साइन टू एक्स के हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, टू साइन ए कॉस, सिर्फ इतना सा है। तो आप लिख दो इसे क्या होगा, तो आपके पास क्या आएगा, कॉस टू ए इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर माइनस वन अपॉन साइन टू एक्स, साइन टू एक्स क्या है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, चेक करो क्या क्या बचा, बस वन से वन कैंसिल, नीचे हमारे पास माइनस भी था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू साइन एक्स कॉस एक्स, सो टू कैंसिल एंड साइन वन पावर कैंसिल, तो वन पावर कैंसिल करोगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस क्या होता है, जी बेटे कुछ समझ में आया? यस सर। बेसिकली जो हमारे पास है वो सिर्फ यही है कि हमारे पास फॉर्मूले हमें याद हैं या नहीं, तो अगर हमारे पास शीट पे कम से कम फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो हमारा काम आसान हो जाए। कॉस टू ए में तीन फॉर्मूले और एज पर नीड हम उसे यूज करते हैं, पहला हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन टू ए का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम यूज करते हैं। और किसी बच्चे को कोई डाउट सर असाइनमेंट में? हमारे पास क्या है, एक तो ये थीटा वाले भी लिख लो फॉर्मूले तो ये शुरू हो जाए तो मेरा अच्छा है, देखो इन्हें हम यूज भी करेंगे आगे। एक तो हमारे पास क्या है, हमने लास्ट में किया था कॉस टू ए वाला तो हो गया था, साइन टू ए वाला भी हो गया, और कौन सा रह गया, टेन टू ए वाला रह गया, टेन ए प्लस बी जो हमारे पास है वो है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये बस। तो यहाँ पे भी अगर हम जैसे लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि a इज इक्वल टू b कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan 2a, tan a plus tan a is 2 tan a and 1 minus tan a into tan a 1 minus tan square, तो ये हमारे पास tan 2a का है फॉर्मूला। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम फॉर्मूला देख लेंगे। आपके पास एक्सरसाइज 3.3 में एक्सरसाइज 21 22 तक हो गया था, तो 23 एक क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। ये देखिए, ये हमारे पास सिंपल बेस्ड ऑन द जो ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा इस पे बेस्ड, tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a, question is tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x, ये दिया। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लें और सिंपल जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको अप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan 4x लेफ्ट हैंड साइड, तो 4x को आप क्या करिए, 4x को आप कर दीजिए tan 2 of 2x,
तो tan 2 of 2x क्या हो जाएगा भाई, tan 2a हो जाएगा. तो tan 2a क्या होता है, tan 2a होता है 2 tan a upon 1 minus tan square a. ये वाली बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई? सर आ गई. बाकी भी तो है हमारे पास, कोई नहीं बोल रहा है. डॉक्टर रमेश? यस सर आ गई. और कौन? डॉक्टर लिपाशी तो आज अभी ज्वाइन किया है. जी सर. कहाँ? आयान समझ में आ रही है? यस सर. अनम? अनम फातिमा? हेलो दानियाल, अनम आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. फातिमा? अनम चाय पी लो. चलो बस ऑन किया और फिर फोन करेंगे. चलिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan 2a is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a. इस क्वेश्चन में हमारे पास था tan 4x, 4 को हमने लिखा है 2 into 2x. तो ये जो हमारे पास 2x है, ये हमारा a है या थीटा है. तो ये हो जाएगा 2 tan 2x upon 1 minus tan square 2x. लेकिन आप इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगाइए tan 2x का. तो अगर आप tan 2x का दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो न्यूमरेटर आपके पास होगा 2, तो एक्स्ट्रा है आपके पास 2 tan x upon 1 minus tan square x. ये फॉर्मूला हो जाएगा tan 2x का. ये बात समझ में आ गई सबको? न्यूमरेटर में आपने tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया. नीचे जो आपके पास है वो tan 2x का स्क्वायर है. तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दीजिए 2 tan x upon 1 minus tan square x. ये बस. लेकिन इसमें इसका स्क्वायर है. यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसका स्क्वायर है. रुकिए वीडियो ऑफ कर लीजिए बेटा. वीडियो ऑफ कर लो. जी तो आपके पास क्या है tan 2x का स्क्वायर. तो 2 tan a upon 1 minus tan square x का स्क्वायर. ये स्क्वायर होगा. अब इसको थोड़ा सा आसानी के साथ सॉल्व करिए तो चीजें समझ में आएंगी. 2 2 जा 4 tan x upon 1 minus tan square x upon, जब तक आपकी कमांड ना हो जाए स्टेप्स पे तब तक थोड़ा टाइम दिया कीजिए. तो 1 minus जो ब्रैकेट करेंगे ओपन स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा 4 tan square x और ये अपॉन में आएगा 1 minus tan square x का होल स्क्वायर. अब आप डेनोमिनेटर में लेंगे एलसीएम. तो अगर डेनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो आपके पास ऊपर तो यही रहेगा टर्म 4 tan x अपॉन 1 minus tan square x अपॉन, नीचे आपके पास एलसीएम आया 1 minus 1 minus. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. जी तो हमारे पास एलसीएम है 1 minus tan square x का होल स्क्वायर. लेकिन जब आप इसको लेफ्ट साइड में 1 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, tan स्क्वायर का स्क्वायर 10 की पावर 4x हो जाएगा और 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा. और यहाँ हमारे पास 4 tan स्क्वायर x पहले से था. ये वाला स्टेप सब बच्चों को समझ में आया या नहीं ये बता दीजिए. हाँ जी सर एक और बार रिपीट कर दीजिए.
हमारे पास जो सबसे नीचे वाला टर्म है वो क्या है? बताइए. 1 - 10² x² अब इसका स्क्वायर ओपन करिए क्या आएगा रमेश? 1 - 10² x² करिए बेटे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 10² x² क्या हो जाएगा? 10^4 और 2ab तो 2 × 1 × 10² x. ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा बेटे. यहाँ जब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगे ये आ जाएगा. स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने. अब समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया. अच्छा, हमारे पास 4 tan² x पहले से था तो वो 4 tan² x हमारे पास एज इट इज है अभी भी. अब समझ में आ गया? यस सर. अच्छा ये बताओ, ये जो हमारे पास आया 1 - 10² x, एक टर्म तो ऊपर है और नीचे 2 पावर्स हैं, तो इससे क्या होगा? इससे 1 पावर कैंसिल हो जाएगी. यस और नो? यस सर. यस सर, कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये नीचे वाला जो टर्म है 1 - 10² x ब्रैकेट में, ये सबसे ऊपर चला जाएगा. यस सर. तो ऊपर क्या हो जाएगा अब आपके पास? ऊपर हो जाएगा 4 tan x. इसको दोबारा से भी कर लेंगे, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, बट समझते रहो हर स्टेप. अच्छा नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1, हमारे पास 10² x में 2 और 4 6 हैं, तो 1 - 6 tan² x और 10^4x अकेली है, तो 10^4x. देखो ये समझ में आया या नहीं आया? तो 4 tan x into 1 - 10² x upon 1 - 6 tan² x plus 10^4x. और हमें देखो क्या चाहिए था लेफ्ट राइट हैंड साइड में. समझ में आ गया? यस सर. यस सर. दोबारा बताओ दानिया. नो सर. किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर मैं इसको दोबारा बताऊं. दानियाल सर एक बार बता दिए, एक और बार. देखिए सबसे पहले तो बेटे ये देखना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है. हमारे पास फॉर्मूला ये है कि tan 2 theta is equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. अब आप कोशिश करिएगा मेरे साथ हर स्टेप में साथ रहने की. अगर आप मेरे साथ हर स्टेप में साथ रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्या आना है तो बाद में सोचेंगे. क्वेश्चन है हमारे पास tan 4x. अवर लेफ्ट हैंड साइड तो मैं tan 4x को क्या tan 2 ऑफ 2x लिख सकता हूं या नहीं, बस ये बता दो. हाँ भाई, tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं? tan 2 ऑफ 2x, ये तो लिख सकते हैं ना? हाँ सर, कोई तो बोलो. यस सर. हाँ भाई दानियल, tan 4x को क्या हम tan 2 of 2x लिख सकते हैं? Yes sir, लिख सकते हैं. अच्छा अब बताओ tan 2 of 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा? राइट हैंड साइड में ग्रीन में फॉर्मूला लिखा हुआ है. tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा, लेकिन यहाँ थीटा कितना है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? tan 2 थीटा और यहाँ भी tan 2 थीटा, तो थीटा कितना है इधर? 2x.
2x. तो फॉर्मूले में अगर हम थीटा रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? तो फॉर्मूले में हाँ, 2 tan 2x जी अपॉन 1 minus tan square 2x. 1 minus tan square 2x. वेरी गुड. ये वाली बात सब बच्चे बताओ, समझ में आई या नहीं? यस सर. 2 tan theta, 2 tan theta अपॉन 1 minus tan square theta, बट थीटा इज अवर 2x एवरीवेयर. लेकिन अगर थीटा 2x है तो क्या हम दोबारा से tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? हाँ भाई. यस सर. दोबारा से हम tan 2x का या tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो अप्लाई करो दोनों जगह. नीचे स्क्वायर रखना है, ध्यान रखना है. तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 2. न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 tan. अब यहाँ थीटा x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 minus tan square x. तो ये हो गया लेफ्ट ऊपर न्यूमरेटर वाला. अपॉन डेनोमिनेटर पे अप्लाई करो 1 minus tan 2x का square. तो tan 2x का फिर फॉर्मूला लगाओ, 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x square. इसकी हम बात कर रहे हैं. देखो दोनों तरफ हमने फॉर्मूला लगा दिया, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर. बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर आ गई. ठीक है, तो अब ऊपर तो कुछ करना नहीं है. ऊपर तो 2 2 4 हो जाएगा. बस नीचे वाले में स्क्वायर को ओपन करना है और एलसीएम लेना, चाहे एक सिंगल स्टेप में ले लो चाहे दो स्टेप में ले लो. तो करना क्या है? करना ये है कि जो हमारे पास नीचे वाला डेनोमिनेटर है तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 4 tan x और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 minus tan square x और अपॉन में क्या आएगा? मैं स्क्वायर को सेपरेट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए अगर आप सब समझ सके. नीचे हो गया 1 minus tan square x का whole square और वो ही हमारा एलसीएम आ गया. जब एलसीएम आएगा तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से. किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से. अब इसका ओपन करो, स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? आपकी मर्जी है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम एक स्टेप और ले सकते हैं. एक स्टेप और क्या ले सकते हैं? हमारे पास आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4 tan square x और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा 1 minus tan square x का whole square. ऐसे हम एक स्टेप एक्स्ट्रा ले सकते हैं. आपको समझ में आना चाहिए. तो अब हमारे पास क्या आएगा? ऊपर तो यही रहेगा 4 tan x, अपॉन में भी यही रहेगा 1 minus tan square x, लेकिन नीचे जो है अपॉन में आपके पास एलसीएम आएगा 1 minus tan square x का whole square और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से. 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10 की पावर 4 x होता है, माइनस 2ab, तो 2 into 1 into 10 square x हो जाएगा, माइनस 4 tan square x हमारे पास एज इट इज रह जाएगा. 4 tan square x ये हमारे पास आएगा. अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 4 tan x अपॉन 1 minus tan square x अपॉन 1 minus 6 tan square x एंड माइनस प्लस 10 की पावर 4x अपॉन 1 minus tan square x का whole square. Yes. तो आपके पास क्या आएगा? 1 minus tan square x से 1 minus tan square x की 1 power cancel हो जाएगी और इसको आप ऊपर ले जाएंगे, यही आपका answer. तो 4 tan x
into 1 minus 10 square x upon 1 minus 6 10 square x plus 10 to the power 4x. अब बताओ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. Yes sir, आ गया. ठीक है, good. चलो जी एक क्वेश्चन और देखो. ये cos 2a और sin 2a के ऊपर सीधा सीधा सा क्वेश्चन है. एक और लास्ट क्वेश्चन है बस इस एक्सरसाइज में. ये क्वेश्चन cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x. आप पहले लेफ्ट साइड में फॉर्मूले समझो, फिर उम्मीद ये है कि ये आप क्वेश्चन अपने आप अप्लाई करो. मेरे पास क्या है, मेरे पास cos 2a का फॉर्मूला है और cos 2a में तीन फॉर्मूले हैं, cos square a minus sin square a, 2 cos square a minus 1 and 1 minus 2 sin square a. तो as per requirement, as per need, हम अपना फॉर्मूला चूज करेंगे कि हमें कौन सा यूज करना है. और हमारे पास क्या है, हमारे पास है sin 2a. और sin 2a क्या होता है, sin 2a होता है 2 sin a cos a. That's दो फॉर्मूला है. तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में cos 4x है. कोई बच्चा मुझे सजेस्ट करेगा मैं 4x को क्या लिख सकता हूँ? cos 2 cos 2 of 2x. very good. तो cos 2 of 2x लिख सकते हैं. अब ये फॉर्मूला हो गया cos 2a का. a यहाँ पे 2x है. तो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूँ, कोई मुझे सजेस्ट करे? सर फर्स्ट वाला cos square x minus sin square x. cos square x minus sin square x. very nice. और कोई बच्चा मुझे सजेस्ट करेगा? हमें खुद देखना है कि हमें क्या चाहिए. देखो असल में क्या है, हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ रहा है उसमें sin square x भी आ रहा है, cos square x भी आ रहा है शाहिन, लेकिन बीच में माइनस नहीं है बेटे, वो इनटू में आ रहा है. तो अगर आप cos 2a का पहला फॉर्मूला यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है. अब आप चेक करो, राइट हैंड साइड में मुझे 1 प्लस चाहिए, प्लस 1. तो प्लस 1 कौन से फॉर्मूले में है? 1 माइनस थर्ड वाले में. यस. तो cos 2 ऑफ 2x. बताओ जरा मुझे cos 2 ऑफ 2x क्या हो जाएगा? अनम आप हैं क्लास में? अनम फातिमा, हाँ भाई, cos 2 of 2x क्या हो जाएगा? cos 2 of 2x हो जाएगा 1 minus 2 sin square 2x. yes or no? yes sir. ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है बेटे, यहाँ आपको sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसका फॉर्मूला साइन 2x का. तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है भाई? यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x. लेकिन क्या इसका स्क्वायर भी करना है? यस सर, करना है ना स्क्वायर. तो स्क्वायर करो, प्रोडक्ट ले लो. बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. और 4 2 जा क्या होगा? 8. तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या आंसर है, बस पता. रुकिए, समझ में आ रहा है आपको? रुकिए, आपको समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, समझ में आ रहा है अब जी. हाँ भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन था. एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, तो आपकी 3.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर आपने जो एक डाउट पूछा है उसको देखते हैं. ये हमारे पास 3a का फॉर्मूला, अभी तक हमने 2a वाले फॉर्मूले करे हैं, तो उस 3a पे फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है.
ये हमारे पास तो हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन 3a इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, ये हमारे पास 3 वाले फॉर्मूलाज हैं। आप 2a प्लस a करके करोगे तो उससे ये आ जाएगा। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। इवन एक फॉर्मूला 10 का भी होता है, 10 3a इज इक्वल्स टू 3 10 a माइनस 10 क्यूब a 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। ये आप सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो ये लास्ट फॉर्मूला बचा है आपके इसमें थर्ड एक्सरसाइज के लिए। थोड़े से फॉर्मूले हम थीटा बाई 2 के जरूर ड्राइव करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले, साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 sin a minus 4 sin cube a, cos 3 is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a. तो हमारा जो सेकंड वाला है वो यूज होना है। cos 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a. तो आपके पास इसमें जो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos 6x। अब आपकी चॉइस है, cos 6x को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, cos in 2 into 3x या cos 3 into 2x। चॉइस आपकी, आप जिस तरह से लिखना चाहें लिख, दोनों से ही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर हम पहला ले लें, सर हमारे पास क्या है, हमारे पास है cos 6x that is cos 2 of 3x। तो अब ये फॉर्मूला हो गया cos 2 theta का। cos 2 theta के तीन फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से देखिए। मुझे राइट हैंड साइड में माइनस का, सॉरी माइनस तो बात की बात है, मुझे 1 चाहिए। हाँ भाई, मुझे जो चाहिए 1 चाहिए माइनस में। तो माइनस 1 cos 2 थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कौन सा होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है? 3x। यस, वेरी गुड। तो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया। अब यहाँ कौन सा आएगा फॉर्मूला? अब यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा cos 3 थीटा का, जो भी हमने पढ़ा कि भाई cos 3 थीटा उसका स्क्वायर माइनस 1। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos cube theta minus 3 cos theta उसका square minus 1। बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना था। देख लीजिए हमने क्या लिखा था, cos 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a। ओपन द ब्रैकेट, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 2 4 का स्क्वायर 16, cos की पावर 6x plus 3 का स्क्वायर 9 cos square x minus 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 3 plus 1 4, तो cos 4x minus 1, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 की पावर, cos की पावर 6x और 48 cos की पावर 4x and 18 cos square x minus 1।
सब बच्चे जरा ध्यान से चेक करो क्या ये बात समझ में आई या नहीं है। यस सर आ गई। तो ये आपके पास था एक्सरसाइज 3.3 और ये मेरे पास फॉर्मूलास थे। अच्छा हो अगर आप एक शीट पे लेंगे इन फॉर्मूले को रखने और बार बार इन फॉर्मूले को जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठे तो उठाया और फॉर्मूले लिख लिए एक बार। अरे एक बार सारे भेज दीजिएगा फॉर्मूले। बेटे जो मैंने वर्कशीट भेजी वो आपके पास है या नहीं है? तो नहीं मेरे पास नहीं है। वर्कशीट दोबारा भेज रहा हूँ उसमें भी तो सारे फॉर्मूले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें मैं दोबारा भेज रहा हूँ उसको आप उसको कर लीजिए और दूसरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा सर अच्छे से। शाइन क्वेश्चन बोलो कौन सा पूछ रहे थे बेटा? सर असाइनमेंट थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारे पास है prove that sine a minus b upon sine a sine b is equals to sine b minus b is equals to नहीं होगा plus होना चाहिए ठीक है sine a minus b plus sine b minus c plus sine c minus a ठीक है ये होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है ना प्लस होगा तो हो गया ठीक है ये वाला टर्म प्लस और अलग अलग एक एक टर्म को पहले सिंपलीफाई कर लीजिए फिर जब ऐड करेंगे तो वो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। और बताओ कोई क्वेश्चन? टेंथ क्वेश्चन 10 इसी में से। यस सर। If a plus b is equals to 45, prove that 1 plus tan a, 1 plus tan b is 2. क्या कर सकते हैं इसमें? क्या रास्ता निकाल लीजिए वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू हमारे पास tan a plus b का फॉर्मूला क्या है? tan a plus b का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b tan a tan b
उसको स्टार्ट कर। A plus B is equals to 45. चलो कर देते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? A is equals to 45 minus B. So tan A is equals to 45 minus B. That is 1045 minus 10B upon 1 minus 1045 10B. ये हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया? ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो हमारे पास क्या आया? 10A into 1 plus 10b equals to 1 minus 10b. ये हमारे पास आया।